अब हमारे बीच हमारा सीएम कहता हो, हमारा सीएम कहता हो, हमारा सीएम कहता हो। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दानिश अबरार साहब, एआईसीसी के सचिव, इस क्षेत्र के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष बैरवा साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल मीणा जी, हमारे अभी जो जिला प्रमुख रहे इस जिला परिषद क्षेत्र से यहां से चुने गए, उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे हरियाणा से आए सुल्तान जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा, 7 तारीख को वोट पड़ेंगे और 11 तारीख को राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब देखना यह है कि पूरे राजस्थान में 37 कौम के लोग मिलकर, नौजवान और किसान, कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन दे रहे हैं। ये हमारा जिला माधोपुर जिले को मैं अपना जिला मानता हूं, इसलिए यहां पर जो वोट मांग रहा हूं ये एक अधिकार हमारा है, आप लोगों पर हक है हमारा, इसलिए आपसे वोट मांग रहे हैं। ये बात सही है कि पड़ोस बैठकर फरमान जारी करे, अरे जो यहां से विधायक सांसद चुनकर भी गए उनको भी पूछना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। हर समाज की पगड़ी उछाली है, किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया और नौजवानों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। अलवर जिले के 4 नौजवान लड़कों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या करी। आप कल्पना कर सकते हो, जिस प्रदेश में नौजवानों की उम्मीद टूट जाए, उसका विश्वास खत्म हो जाए और अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसे प्रदेश में लोगों को, सत्ता में बैठे दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, किस प्रकार का शासन चला रहे हैं। वसुंधरा जी ने 5 साल जनता से दूरी बनाकर रखी और जब 5 साल पूरे हो गए तो छत की, बस की छत पर बैठकर यात्रा करने निकल गई, वो यात्रा भी हाईकोर्ट ने रुकवा दी। जनता का विरोध इतना था, गौरव यात्रा का विरोध इतना था कि अंत में को यात्रा हेलीकॉप्टर से करनी पड़ी। और वसुंधरा जी की सभाओं में, भाजपा की सभाओं में ये फरमान जारी हो जाता है, कोई काला कपड़ा नहीं पहन सकता, ना काली कमीज, ना काली चुन्नी, ना काले मोजे, ना काला बनियान, सब उतरवा लेते। पहले उन्हें लगता है कि जैसे भाजपा के नेता मंच पर आएंगे तो काले कपड़े हिला के विरोध करेंगे। ये असुरक्षा का माहौल बीजेपी के अंदर है और मैं तो खुले मन से बोलता हूं, हमारी कांग्रेस की रैली में लाल पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, हरा पहनो, कोई कपड़ा पहन लो, हमें कोई चिंता नहीं है। एक बात मुझे बताओ, अरे नौजवान साथियों, अरे भाई रुक जाओ, आज चुनाव का आखिरी दिन है और मैंने पूरे प्रदेश में दौरा किया। ए भाई हीरो, भैया चुप हो जाओ, शांति। पूरे प्रदेश में प्रचार करने के बाद मैंने ये कहा था कि जो आखिरी दिन होगा वहां पर मैं अपने टोंक के शहर और टोंक विधानसभा क्षेत्र का प्रचार करूंगा, लेकिन जब मैंने अपना टाइम देखा और ये मुझे मालूम पड़ा कि मैं माधोपुर नहीं आया हूं सवाई माधोपुर वोट मांगने के लिए, गांधी के लिए, तो मैं अपना प्रचार छोड़कर आज माधोपुर में आया हूं दानिश जी के लिए वोट मांगने के लिए। और इस नौजवान को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, दोबारा आपके भरोसे पर दिया है। और ये भूल जाओ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन मीणा है, कौन राजपूत है, कौन गुर्जर है, कौन जाट है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, बराबर के अधिकार हम लोगों के पास है और एक एक वोट से सरकार बनती है। जो माहौल पूरे माधोपुर में है, टोंक में है, दौसा में है, करौली में है, भरतपुर में है, अलवर में है, और मैं तो हर जिले में गया हूं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, सिरोही, जोधपुर, छतवाड़ा, बांदीकुई, जिस जिले में मैं गया हूं, ऐसा माहौल मैंने पिछले 20 साल में नहीं देखा है। सारे के सारे लोग ना सिर्फ भाजपा से नाराज है लेकिन कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा, और परसों कहीं मैं धौलपुर में था, वहां एक व्यक्ति ने अच्छी बात बोली, कांग्रेस कर रही है कर्जा माफ और बीजेपी हो गई साफ। हो गई कि नहीं हो गई?
ये वाले कुछ नहीं बोले हो भाई, और जो पीछे बैठे बिल्कुल मुंडा लटका के, अरे हाथ ताली तो बजाओ कांग्रेस के नाम पर, तोड़ के बजाओ। ये जीत का माहौल है, ये जश्न का समय है, अंधकार समाप्त होगा, रोशनी आएगी, रोजगार आएंगे, कर्ज माफ होगा, नई शुरुआत करेंगे। आप सबको लेकर आगे बढ़ना है। इन पत्थरों में क्या नहीं हुआ इस प्रदेश के अंदर, जाति को जाति से लड़ा दिया, हर समाज की पगड़ी उछाल दिया। लेकिन एक बात है दोस्तों, किसान पे, महिला पे, नौजवान पे वसुंधरा जी ने काम नहीं किया, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन कुछ काम वसुंधरा जी ने बहुत टाइम लगाकर किए, कुछ काम करने के लिए पूरा अध्ययन किया, पूछताछ करी और समय लगाकर चुन चुन कर वो काम किए। वो कौन से काम मैं आपको गिनाता हूं। पहला काम खान का ठेका, दूसरा काम बजरी का ठेका, तीसरा काम शराब का ठेका, चौथा काम महलों पे ताले लगवाना। अब भाई आपने चार पांच साल तक जनता से दूरी बनाकर रखी, और जब आप उपचुनाव हार गए, जब गौरव यात्रा का धुआं निकल गया, तब आप जनता के पास गए, जनता क्या बोला कि भाई चार साल आप हमसे नहीं मिले, अब हम आपसे नहीं मिलेंगे, जयराम जी। ये जवाब मिल गया। अभी बड़े सारे नेता आ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री भी आए कि नहीं आए। भाई ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा नहीं, 23 दिन से उत्तर प्रदेश ही नहीं गया। वो 23 दिन में अगले ने लखनऊ में पैर नहीं रखा, वो मध्य प्रदेश राजस्थान घूम रहा है, चक्कर काट रहे हैं। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आपको प्रदेश की जनता से इतना प्यार था, तो आप पांच साल क्यों नहीं आए। जब पांच साल यहां पर जयपुर में वसुंधरा जी के नाक के नीचे आपकी सरकार ने 300 मंदिर तोड़ दिए, हजारों गाय भूखी प्यासी तड़प के मर गई हिंगोनिया गौशाला में, जब राजस्थान में बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, अतिक्रमण हुआ, एनकाउंटर हुआ, आत्महत्या हुई, तब कहां थे अमित शाह साहब, कहां थे प्रधानमंत्री जी, कहां थे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, किसी को याद नहीं आई। और अब जब लगा कि चुनाव हार रहे हैं, तो सब भाषण देने आ गए। और भाषण क्या देते, हनुमान जी की फला जाती थी भाई, मैं हनुमान जी की पूजा हम सब करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और वो कहते हैं ना, बोल बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, सबको आता है वो। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि भाई हनुमान जी की जाति बिरादरी हो सकती है। तो इन्होंने सोच देखो, ये लोग गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, हनुमान जी की जाति में कुछ बांध सकते हैं, ये लोग सब कुछ करने को तैयार है सत्ता हासिल करने के लिए। सावधान हो जाओ दोस्तों, अभी दो दिन का समय और है, पता नहीं क्या पाखंड होगा। आज मोदी साहब दौसा में आ रहे हैं रैली करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपको प्रदेश की जनता की चिंता थी, तो पांच साल आप प्रधानमंत्री रहे, इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। आपने 37,000 करोड़ रुपए का जुमला लटका दिया, पांच साल तक हाथ पैर तक कर बैठे रहे। आपकी अनबन मुख्यमंत्री से हो सकती है, मुख्यमंत्री की अनबन अमित शाह जी से हो सकती है, लेकिन राजस्थान के 7 लोगों की क्या गलती है। लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, वोट देकर जिताया, आपने पूरा पकड़ डाला। और अभी भी साथियों सुन लो, ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं ना, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये तो यहाँ लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ताकि जो हार हो वो सम्मानजनक हो, पूरा सुपड़ा साफ नहीं हो जाए, थोड़ी बहुत सीटें आ जाए तो जाके मुंडा दिखा सके कि हम इन्हें कुछ करके आए हैं। कोई मतलब नहीं है, ये सारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पांच साल गायब रहे, अब यहां के लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, इनके पास आधे घंटे का समय नहीं। जिन किसानों ने आत्महत्या करी, उनके परिवार वालों का जाके आंसू पोंछ लेते, उनका दुख बांट लेते, तो मैं भी कहता कि प्रदेश की चिंता आप लोगों को है, इन्हें कोई चिंता नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इतना है कि यहां पर आओ, धर्म की बात करो, जाति की बात करो, गोत की बात करो, ननिहाल की, ससुराल की, पीहर की, लेकिन खाद की, बिजली की, बीज की, पानी की, रोजगार की, स्कूल की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की कोई चिंता नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा, सरकार बनने के बाद हम कदम आप भी करेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार भी लेकर आएंगे, मां बहन बेटी की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आप सबका दायित्व तो बनता है। और ये जाति की बात नहीं है साथियों, ये 36 कौम के लोग अगर मन बना लें, इस दानिश अबरार जी को उम्मीदवार बनाया है आपके बीच में, और पिछली बार बनाया था, सुनो नौजवान,
पिछली बार दानिश को उम्मीदवार बनाया था, थोड़ी कमी रह गई थी, ठीक है, इस बार वो कमी पूरी कर दो। 5 साल तक इन्होंने काम किया हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में शामिल रहे, जैसे देवेंद्र यादव जी ने कहा। आने वाला समय नौजवानों का है, इनको आशीर्वाद दो। और इनको मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के सब लोगों का मन मान कर करें काम करेंगे। और माधोपुर के क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं कि दानी जी के साथ मैं भी आप लोगों को काम करने के लिए तैयार हूं, जो भी विकास यात्रा हम करेंगे। साढ़े 3 घंटे बजे हैं, समय कम है साथियों। मैं तो सिर्फ आज मैंने कल दानी जी को फोन पे कहा, मैंने कहा भाई माहौल अच्छा है, तुम चुनाव जीत जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल राहुल गए हुए थे तो मैं यहां भाषण देने नहीं आया, मैं तो यहां अपनी आंखों से देखने आया था कि ये दानिश अबरार कितना बड़ा जीत यहां से हासिल कर रहा है। तो इसलिए अब सुनो, इससे पहले मैं वापस जाऊं पाऊं, क्योंकि 3 घंटे बचे, मुझे अपना प्रचार भी करना है। लेकिन ऐसा है, मैं भी जिद्दी टाइप आदमी हूं, मैं आसानी से जाने वाला नहीं हूं। तुम तो पहले मुझे बताओ हाथ खड़े करके सारे के सारे कि ये कांग्रेस को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, पीछे वालों ने पीछे देखो अभी कोई भरोसा नहीं है। मेरे जाने के बाद 3 घंटे बचे, हो सकता है कोई और बड़ा नेता आ जाए, हो सकता है मोदी जी ही आगे भाषण देके वोट मांग जाए, आप हटाओ तो कोई नहीं है, तो जोरदार नारा दो कांग्रेस पार्टी। अरे मोदी जी दौसा में आवाज भागे जानी चाहिए दौसा तक, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी नारा जीत का जयकारा आसमान में छेद लगा रखिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सर।